हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में, और स्पेसिफिकली मैं आपके सामने बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर, और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा डिफरेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में। तो आइए जरा समझते हैं और चीजों को बड़े ही आसान तरीके से लेकर चलते हैं। तो पहले आप देख लीजिए प्रोनाउन क्या होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन की जगह ले लेते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, देखिए प्रोनाउन बेसिकली नौ टाइप के होते हैं, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। आज मैं बात कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो आइए जरा समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है चीजों को बांटना, चीजों को बांटना। और चीजें बटेंगी कब? जब चीजें होंगी एक से ज्यादा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक समय पर एक की बात करता है, बहुत सारी चीजों में से एक समय पर एक की बात करता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो एक समय पर जो एक की बात करता है वो कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये एक समय पर एक की बात करने की वजह से हो जाते हैं सिंगुलर। कैसे हो जाते हैं ये सिंगुलर? तो पहली चीज हमें जो याद रखनी है वो ये कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। और जो भी चीज इंग्लिश ग्रामर में, जो भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो बस यही इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर, जो हमें पता होनी चाहिए। अब आइए जरा इस पूरी चीज को डिटेल में समझेंगे हम एग्जाम्पल के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं उनके बारे में। ये रहे आपके सामने कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पहला है आपके सामने ईच। देखिए ईच एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो दो या दो से ज्यादा लोग के लिए यूज होता है, फॉर टू और मोर देन टू। मोर देन टू। अब आपको एक कंफ्यूजन हो गया होगा कि अभी हम बोल रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक समय पर एक की बात करते हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि ईच दो या दो से ज्यादा के लिए लगता है। जी बिल्कुल, यही आपको समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो काफी सारे लोगों में से, या फिर दो या दो से ज्यादा लोगों में से एक टाइम पर एक की बात करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब एक या एक दो या दो से ज्यादा लोग होंगे उनमें से एक टाइम पर एक को दिखाने के लिए हम ईच का यूज करेंगे। इसलिए मैंने बोला फॉर मोर टू और मोर देन टू, इसके लिए ईच का यूज किया जाता है। आइए इधर के बारे में समझते हैं। इधर का यूज हमेशा सिर्फ और सिर्फ दो के लिए किया जाता है। अब ये दो क्या है? ये पर्सन भी हो सकते हैं और थिंग्स भी हो सकती है। फॉर ओनली टू, दो के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस में इधर का यूज किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे तो अगर मैं बोलूंगा ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, मतलब दो में से कोई एक, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट्स में से एक टाइम पर कोई एक, ये इस प्रकार की बात। नीरज की बात करूं तो ये भी सिर्फ और सिर्फ दो के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये ईदर पॉजिटिव है और नीदर आपका नेगेटिव है। नन की बात करें तो जैसा ईच मोर देन टू पॉजिटिव के लिए है, वैसा ही नन मोर देन टू नेगेटिव के लिए है। टू और मोर देन टू, मोर देन टू नेगेटिव्स के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और एनी वन जो है, एनी वन का मतलब होता है कोई भी एक, तो एनी वन सिंगुलर है, इतना याद रखें। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये थोड़ी अभी कंप्लीट बात नहीं आई होगी। अब एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं कि किस प्रकार, अभी आपको क्या याद रखना है। देखिए ईदर नीदर तो हम कई बार पढ़ते हैं, तो ईदर और नीदर के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि ये सिर्फ तब यूज होंगे जब दो की बात चल रही होगी, तब ईदर और नीदर का यूज करेंगे आप। ईच का यूज कब करेंगे? दो या दो से ज्यादा के लिए, और उसका अपोजिट है नन, दो या दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव सेंटेंस में। आइए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं आपके सामने। एक सेंटेंस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आपके सामने लिखा ईच ऑफ द फाइव फ्रेंड्स आर
कमिंग टूडे, कमिंग टूडे। अगला मैं आपके सामने लिख रहा हूं ईच ऑफ द टू ब्रदर्स आर माई फ्रेंड्स। फ्रेंड को मैं फ्रेंड्स कर देता हूं। अब बस आप समझने के सेंस में करेंगे, इतना नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ आ जाए, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। अभी आप चीजों को धीरे धीरे देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए लिखा हुआ है ईच ऑफ द फाइव फ्रेंड्स आर कमिंग टूडे। अब इसके यूज को समझ रहे हैं, जो हमने देखा था कि ईच, देखिए ईच का यूज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, ऑफ द लगा हुआ है, ऑफ द हमेशा सिलेक्शन के लिए लगता ही है, जब ये प्रनाउन की तरह यूज होंगे तो बीच में ऑफ द लगेगा जो कि सिलेक्शन को दिखाएगा। ईच ऑफ द फाइव फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कितने दोस्त हैं जी, फाइव फ्रेंड्स आर कमिंग टूडे। अब देखिए आप, क्या ईच का यूज हम दो या दो से ज्यादा के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब फाइव फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ईच लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए फाइव फ्रेंड्स और उसके साथ लगा दिया गया है आर। अगर मैं सिर्फ फाइव फ्रेंड्स की बात करूं तो पांच प्लूरल है इंग्लिश ग्रामर में, आर लग सकता है, हाँ या ना? लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन लिखा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन एक समय पर एक की ही बात करते हैं। तो सर इस लाइन का मतलब क्या है? ईच ऑफ द फाइव फ्रेंड्स का मतलब है कि पांचों दोस्तों में से प्रत्येक एक टाइम पर एक। आपने कहा कि यहाँ पर एक टाइम पर एक की बात चल रही है, फाइव फ्रेंड्स को देखते हुए आर नहीं लगेगा, ईच लिखा हुआ है, इसलिए आर की जगह क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था, यही आपके एग्जाम की एरर है। ईच ऑफ द फाइव फ्रेंड्स इज कमिंग टूडे क्यों हो जाएगा? आपने कहा ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन सिंगुलर होते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ जाते हैं, ईच ऑफ द टू ब्रदर्स आर माई फ्रेंड्स। फिर से आपने कहा यहाँ पर ईच लिखा हुआ है, यहाँ पर टू ब्रदर्स लिखा हुआ है, आर नहीं होगा, क्या होगा? इज का यूज होगा। एक और कंफ्यूजन, टू ब्रदर्स है तो मैं इधर की तरफ जाऊंगा क्या, या फिर मैं ईच को ही लगा रहने देता हूं, क्योंकि बोथ आर करेक्ट, टू के साथ इधर भी लग जाता है और ईच भी लग जाता है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बिल्कुल हम उसको सही मान लेंगे। हाँ लेकिन इसके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर लिखा होता इधर ऑफ द टू फ्रेंड्स इज माई फ्रेंड्स ब्रदर्स इज माई फ्रेंड, इसके बारे में बताऊंगा मैं भी, तब इधर का मतलब हो जाता है दो में से कोई एक, जबकि ईच में से क्या है, प्रत्येक भाई मेरा दोस्त है। एक और गलती यहाँ पर हो गई है, आप देख पा रहे हैं कि ईच ऑफ द टू ब्रदर्स अगर यहाँ पर इज लिखा है, मतलब एक टाइम पर एक की बात चल रही है, तो माई फ्रेंड्स नहीं होगा, क्या होगा? माई फ्रेंड। दोनों ही भाई मेरे दोस्त है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन लगा होने की वजह से एक टाइम पर एक, इसीलिए बोला था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन सिंगुलर होते हैं, इनके साथ लगने वाली वर्ब और पीछे आने वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं तीन या चार एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। मैंने आपके सामने लिखा नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर श्योर टू पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। दूसरा हमारे सामने है नीदर ऑफ द फोर बॉयज, नीदर ऑफ द फोर बॉयज आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास थोड़ा सा आप समय लीजिए और आप इसको सही करिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे सही होगा। नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर श्योर टू पास द एग्जाम, दूसरा है नीदर ऑफ द फोर बॉयज आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करता हूं आपने लगा लिया होगा। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं।
नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, जैसे ही आपने देखा आपके दिमाग में आ गया नीदर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो नीदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो के लिए यूज होता है। इसके लिए यूज होता है दो के लिए। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स। कितनी सिस्टर्स हैं? तीन। बड़ी ही आसानी से हमारा जो है सेंटेंस को हम करेक्ट कर सकते हैं। आपने कहा अगर थ्री सिस्टर्स हैं तो नीदर नहीं होगा, तो अब हमारा दिमाग जाएगा उस नेगेटिव शब्द की तरह जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ शब्द भी नेगेटिव हो। तो ईच ये तो पॉजिटिव है, इधर दो के लिए यूज होता है, जैसा नीदर है वैसा ही इधर है। अब बचा है हमारे पास क्या? नन। तो यहां पर क्या होना चाहिए था? नन ऑफ द थ्री सिस्टर्स, नन ऑफ द थ्री सिस्टर्स। और थ्री सिस्टर्स को देखते हुए आर नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, तो नन को देखते हुए यहां पर क्या लग गया? इज श्योर टू पास द एग्जामिनेशन। अगला हमारे सामने नीदर ऑफ द फोर बॉयज आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। लिखा हुआ है नीदर, यहां पर लिखा हुआ है फोर बॉयज, तो आपने कहा फोर बॉयज है तो नीदर नहीं लगेगा, नीदर की जगह पर क्या हो जाएगा? ये नन हो जाएगा। और फोर बॉयज के बाद आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट फोर बॉयज ना होकर कौन है? नन है। इसका क्या मतलब है? कि चारों लड़कों में से कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्रत्येक की बात करते हैं, एक समय पर एक की बात करते हैं, इसलिए ये इस प्रकार का होगा। उम्मीद करता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को लेकर सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखिए और किस प्रकार इससे गलती हो सकती है, आप कैसे गलती कर सकते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। जैसे अब एक मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो बड़ी ही आसानी से आप इस सेंटेंस को सही कर देंगे। देखिए यहां पर लिखा नहीं है दो है या दो से ज्यादा है या कितने हैं, कोई भी आपको मेंशन नहीं किया गया है। इस सिचुएशन में आप मान के चलेंगे कि अगर यहां पर ईदर लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि दो की ही बात चल रही है। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट या इज इंटेलिजेंट, तो आपने कहा स्टूडेंट्स तो लिखा है, लेकिन ईदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक समय पर एक की बात करेगा, यहां पर लगेगा इज, यहां पर क्या लगेगा? इज लगेगा। दूसरा सेंटेंस जरा देखिए और समझिए, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क, None of the five sisters have done their work. दो सेंटेंस आपके सामने, थोड़ा सा समय लेंगे और इनको सही करने की कोशिश करेंगे। Either of the students have done their work and none of the five sisters have done their work. तो आइए जरा देखते हैं, आपने लिखा either, जैसे ही either आया of the students, बिल्कुल सही है, of the के बाद जो भी noun आता है वो हमेशा plural ही होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ऑफ द फ्रेज के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल। अगर एग्जाम में ये सिंगुलर आपको दिखाई देता है, अगर ये वाला नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर कुछ न कुछ गलती है, कभी भी ये नाउन सिंगुलर नहीं होता है। इसका क्या रीजन है ये वाली बात भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अभी हमने देखा ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब जैसे ही ईदर लगा आप समझ गए दो में से एक स्टूडेंट की बात चल रही है। तो ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, आपने कहा ईदर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, हैव नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैज का यूज होगा। डन देयर वर्क, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है देयर, देयर मतलब क्या होता है? उनका, और उनका मतलब जब लोग एक से ज्यादा हो। यहाँ पर स्टूडेंट्स तो है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होने की वजह से ये एक टाइम पर एक की बात कर रहा है, तो यहां पर आने वाला प्रोनाउन भी देयर नहीं होगा,
एक स्टूडेंट इसको मान के चलूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज वर्क, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली एरर है। इसी प्रकार आपने कहा नन ऑफ दी फाइव सिस्टर्स, नन सही लगा हुआ है, ये बिल्कुल नीदर का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सिस्टर्स को देखते हुए हैव नहीं आएगा, नन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने हैज, और डन देयर की जगह पे हो जाएगा हर वर्क, हो जाएगा हर वर्क, एक की को मानकर चलेंगे क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नन है। तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से बनने वाली एरर्स। पहला हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा तो लगने वाली जो भी आपके सामने वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी, चाहे नाउन प्लूरल हो, क्योंकि नाउन तो ऑफ द के बाद प्लूरल आएगा ही, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। दूसरी चीज आपने देखी कि आगे आने वाला जो प्रोनाउन है पजेसिव केस जो है वो भी हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, क्योंकि सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आइए आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ, आप इसको नोट कर लेंगे। आइए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन की। इनको समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है दोनों। आइए जरा देखते हैं इनके बारे में। तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, पहले रिफ्लेक्सिव को समझिए। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु मान लीजिए ये बॉल है, जो लाइन है जो आपके सामने एक बॉल है, एक दीवार है, अब मैं इस पर से एक गेंद फेंकता हूं तो ये गेंद जाएगी और वापस से टकरा कर अगर मैंने इसको फेंका है तो ये मेरे पास ही आ जाएगी। मैंने कहा मैंने यहां से एक बॉल को फेंका, दीवार से टकरा कर ये बॉल किसके पास आ गई है, मेरे पास ही आ गई है। दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए एक इस बॉल पर एक मिरर लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, जब मैं इसमें अपनी शक्ल को देखूंगा तो ये वापस से मुझे ही दिखेगी। इस प्रकार की चीज को ही तो हम क्या बोलेंगे, ये हो रहा है जी रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब कोई काम जिस इंसान के द्वारा किया जा रहा है वापस लौटकर उसी पर आ जाए, मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं इंग्लिश ग्रामर के सेंस में बात करूं, जब डूअर दैट मीन्स सब्जेक्ट किसी काम को करता है और वो काम का असर सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट अपने ही ऊपर किसी काम को करता है, तब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मैं खुद को ही पढ़ाने लगूं तो आई टीच माई सेल्फ हो जाए, वो रिफ्लेक्सिव यूज हो जाए, आया ना। जब डूअर किसी काम को करे और काम का असर उसी के ऊपर पड़ने लगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इतनी बात याद रखेंगे। एम्फेटिक की तरफ आइए। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, एम्फेटिक शब्द जो है वो बना हुआ है एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना। क्या होता है, जोर डालना, किसी बात पर जोर डालना, दृढ़ता पूर्वक किसी बात को कहना। तो जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है और वो खुद बताता है उसके बारे में, जोर डालता है उस पर, जैसे आप मान लीजिए मुझे कोई ढूंढ रहा है और उसने मुझे से आकर पूछ लिया कि ये इंसान एबीसी, मान लीजिए मेरा नाम एबीसी है, कि यार एबीसी कहां मिलेगा, तो मैंने कहा मैं ही तो हूं एबीसी। दैट इज कॉल्ड एम्फेसाइज करना। तो जब सब्जेक्ट अपने ही ऊपर किसी बात को जोर डालकर बोलने लगता है तब एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्या कहा मैंने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट किसी काम को करता है और वो काम सब्जेक्ट के ऊपर ही होता है तो रिफ्लेक्सिव यूज, लेकिन एम्फेटिक में जब आप किसी बात को बोलते हैं और बोलते समय आपका उसी जो स्पीकर है, जो सब्जेक्ट है, उसी पर जोर डालकर बोलते हैं तो आपका एम्फेसाइज जो है एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज होता है। अब इनका यूज क्या है और ये कौन कौन से है, आइए जरा देख लेते हैं और किस प्रकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जरूरी है और कौन कौन से हैं, देखिए आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर मैं ग्रामर के लैंग्वेज में बोलूं तो मैं ऐसा बोलूंगा कि पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस में सेल्फ या फिर सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस में, ये पजेसिव केस ही तो है, माई, आर, योर, हिम, हर,
ये कौन से केस है? पजेसिव केस है, आई एम सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, देमसेल्फ्स ऑब्जेक्टिव केस है। तो इनमें ही तो आपने सेल्फ या सेल्फ पजेसिव भी है और कुछ ऑब्जेक्टिव केस भी है, दोनों सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाए जाते हैं। लेकिन ये रखने वाली बात हो जाएगी, हमें ऑलरेडी पता है कि इस प्रकार से बनते हैं। मैंने एक ही बार क्यों लिखा है? क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम ही होते हैं। सेम से मतलब क्या है? मायसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, मायसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन भी है, अवर सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन भी है। इसी प्रकार आगे मैंने दो बार इनको नहीं लिखा है, लेकिन यूज इनके अलग अलग है, यूज ही हमें समझना है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अब क्या मतलब है। जैसे मैंने आपके सामने बोला था आई टीच मायसेल्फ, मैं किसको पढ़ाता हूं? आपने कहा खुद को ही पढ़ाते हैं। एक्शन मुझसे ही शुरू हुआ और मेरे ऊपर ही आकर खत्म हुआ, कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन मैंने कहा आई माई सेल्फ मेक टी, ये क्या है जी? मान लीजिए मैं चाय पीने का शौकीन हूं और आपने मेरे को चाय ऑफर की, लेकिन मैंने आपसे बोला आई माई सेल्फ मेक टी, मैं खुद ही चाय बनाता हूं, मतलब ये काम मैं खुद ही करता हूं, जोर डालने की बात चल रही है यहां पर। तो देख पा रहे हैं कि जब जोर सब्जेक्ट अपने ऊपर ही डालेगा तब एम्फेटिक यूज कहलाएगा, और जब काम उसी के ऊपर आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब मैं कैसे पहचानूंगा एग्जाम में कि कौन सा एम्फेटिक है और कौन सा रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्शन कब होगा? जब काम मेरे ऊपर लौट कर आएगा, इसका मतलब वर्ब के बाद अगर इस शब्द को यूज करूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। वर्ब के बाद यूज हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हुआ है इसका मतलब ये जोर डालने के लिए यूज किया गया है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। इतनी बात आ गई है समझ? दूसरी बात, कभी भी एग्जाम में आपको पहचानने के लिए नहीं बोला जाएगा, एग्जाम में तो एरर आएगी। अब एरर क्या होगी देखिए जरा, यहां से पहले एक चीज मैं आपको समझा दूं, कभी भी सेंटेंस एम्फेटिक प्रोनाउन से शुरू नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा आई को हटा दिया माई सेल्फ मेक टी, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इनसे कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होते नहीं है। कई बार आप अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम बोल देते हैं माई सेल्फ एबीसी, गलत है जी, कभी भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट होते नहीं है। तो एक पहली एरर एग्जाम में जो आती है, जैसे ऐसा लिखा गया हर्षल इज अ टीचर, आपको लगेगा कि ये बोलना चाह रहा है हर्षल्फ इज अ टीचर, वह खुद ही एक टीचर है, हर्षल्फ इज अ टीचर, ये गलत है। क्यों गलत है? ये है आपके एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनसे सेंटेंस स्टार्ट होते नहीं है, आपको इसकी जरूरत ही कहां है। आप तो ऐसा बोलते हैं ना सी इज अ टीचर, ये सही एक्सप्रेशन है। अगर ऐसा होता सी हर्षल्फ इज अ टीचर तो भी सही होता, सी के बाद हर्षल्फ आ सकता है लेकिन हर्षल्फ सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहां पर सीधा सीधा क्या होता, सी इज अ टीचर। इस प्रकार की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझिए, एग्जाम में क्या चीज एग्जाम में इससे आती है, और जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा अब आपको कुछ भी नहीं करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो ये सब आपने नोट कर लिए होंगे, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि देखिए किस प्रकार मैं पहचानूंगा कैसे। आपने कहा रिफ्लेक्सिव यूज तब होगा जब ये वर्ब के बाद आएंगे, तो वर्ब के बाद ये शब्द आएंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा तो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से आते हैं। अब कैसे आते हैं आइए जरा समझते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ब लिख रहा हूं और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो वर्ब मैं लिखूंगा उन वर्ब के बाद हमेशा प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस आना कंपलसरी होता है, अदरवाइज सेंटेंस को गलत माना जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो वर्ब कौन कौन सी है आइए जरा देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने वर्ब लिख रहा हूं, पहली है आपके सामने एब्सेंट, एब्सेंट। दूसरी है आपके सामने प्रेजेंट। अगला है अवेल, अवेल का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना, अवेल का मतलब होता है। इसके बाद है आपके सामने हर्ट, एच यू आर टी, एंजॉय, एंजॉय काफी इंपॉर्टेंट वर्ब है आपके सामने। एंजॉय के बाद है इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस के बाद चीट लिख सकते हैं, सेटिस्फाई ले लिखेंगे और प्राइड लिखेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं।
वर्ब्स तो और भी सारी है, काफी सारी है, लेकिन ये है इनके बाद कौन सा केस आता है, रिफ्लेक्सिव केस। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि सी 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 एंजॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, एक सिंपल सेंटेंस क्या है, सी एंजॉयड द पार्टी। तो इस प्रकार का जब सेंटेंस एग्जाम में आएगा तो आपको इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी समझ में। ये हुआ सेंटेंस का सब्जेक्ट, एंजॉय हुई वर्ब की सेकंड फॉर्म, द पार्टी हुआ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा कि जब एंजॉय नाम की वर्ब सेंटेंस में आ जाती है, ये लिखा हुआ एंजॉय, तो इनके बाद प्रनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव केस आना जरूरी है। कहने का मतलब क्या है कि सी एंजॉयड द पार्टी नहीं होगा, सी एंजॉयड और सी का रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, हरसेल्फ। अब ये सेंटेंस पूरा सही माना जाएगा, सी एंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, उसने अपने आप को पार्टी में एंजॉय किया। अब मैं आपको ये रीजन बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है। अगर ये वाली बात मैं बोल दूं इनके बाद ऐसा केस आएगा तो ये एक प्रकार की रटने वाली बात हो जाती है। आइए जरा रीजन से आपको इन चीजों को समझाने की मैं कोशिश करता हूं। आप अब मैं आपको जो कुछ समझा रहा हूं आप इसको फील करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कल की क्लास में, यहां पर आप समझने की कोशिश करें, बड़े ही आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा आई टीच, आप कहेंगे आई टीच का मतलब होता है मैं पढ़ाता हूं। आई टीच का मतलब क्या होता है, मैं पढ़ाता हूं, बड़ी आसान चीज है। जैसे मैंने आई टीच आपके सामने लिखा, आपने सिर्फ ये कहा आप पढ़ाते हैं या मैं पढ़ाता हूं। अब अगर मैं आपके सामने लिखता हूं कि आई टीच इंग्लिश, तो आपने कहा आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, हाँ है ना। अगला मैंने लिखा आपके सामने आई ईट, मैं खाता हूं, और मैंने बोला आई ईट एप्पल, तो आपने कहा आप एप्पल खाते हैं। ये वाली चीजें तो बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाती है। अब देखिए मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं आई एब्सेंटेड, इसको देखिए आप, आई मतलब मैं, एब्सेंटेड का मतलब अनुपस्थित। ये है सेंटेंस का क्या, सब्जेक्ट, और ये है क्या, वर्ब। सब्जेक्ट काम को करता है, वर्ब वो है जो काम किया गया है। आई एब्सेंटेड, मैंने एब्सेंट किया, मैंने एब्सेंट किया। अब कई लोग क्या मतलब निकाल लेते हैं इसका कि मैंने एब्सेंट किया इसका मतलब मैं ही एब्सेंट हूं, नहीं जी ऐसा तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अगर आपने बोला आई ईट इसका मतलब तो क्या होगा, मैं खाता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपने आप को खा जाते हैं। आई टीच मैं पढ़ाता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने आप को पढ़ाता हूं। तो मैंने कहा आई एब्सेंटेड मतलब मैंने एब्सेंट किया, किसको एब्सेंट किया इसमें तो इसके बारे में तो लिखा ही नहीं है। अगर आप सोच कर देखें तो यही चीज हो रही है, मैंने बोला आई ईट मैं खाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को खाता हूं। तो आई एब्सेंटेड एक अधूरा सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि आपने किसी चीज को अनुपस्थित कर दिया है। आपने कल की क्लास में अपने दोस्त को नहीं आने दिया था, ऐसा भी तो हो सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एब्सेंटेड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को एब्सेंट अनुपस्थित कर दिया, मतलब मैंने उसको आने नहीं दिया था। इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर मैंने अपने आप को एब्सेंट किया है तो मुझे बताना पड़ेगा आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, क्या बोलना पड़ेगा आपको, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ। तो सर क्या ये कंपलसरी है एब्सेंट के बाद माई सेल्फ लिखना, जी हाँ बिल्कुल कंपलसरी है। दूसरा कंफ्यूजन, तो फिर आई ईट के बाद एप्पल लिखना कंपलसरी क्यों नहीं है। इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट का आना कंपलसरी होता है, अदरवाइज सेंटेंस गलत माना जाता है। इस प्रकार की वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेती है, और अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो खुद सब्जेक्ट को उसके ऊपर दिखाना होता है कि काम मैंने अपने आप के ऊपर किया है, और वहां पर रिफ्लेक्सिव केस लगाना पड़ता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो वो वर्ब कौन कौन सी है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है। तो जो थोड़ी देर पहले आपने लिखी है एब्सेंट, प्रेजेंट, प्राइड, हर्ट, एंजॉय, ये इस प्रकार की ट्रांजिटिव वर्ब है जिनके बाद ये वाले केस आना कंपलसरी है।
बड़ी आसानी से अब आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए इस बात को। तो आइए अब कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। तो ये हैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस, इनको आप देखिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूं। आप पॉज करके सॉल्व कर लेंगे, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, फिर आप मैच करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस हमारे सामने, सी हर्ट ड्यूरिंग वर्क। कुछ भी नहीं करना, सेंटेंस बड़ा सिंपल है। इसी प्रकार के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं। आपने कहा सीधा सीधा लिखा हुआ है हर्ट, हर्ट के बाद रिफ्लेक्सिव यूज होता है। सी हर्ट ड्यूरिंग द वर्क, उसे काम के दौरान उसने चोट पहुंचाई। सी हर्ट ड्यूरिंग द वर्क, काम के दौरान उसने चोट पहुंचाई। सही मायने में देखूं तो यहाँ पर वो शब्द लिखा नहीं है जिसको चोट पहुंची है। तो सीधी सी बात है, आपने कहा हर्ट के बाद कौन सा केस आता है, रिफ्लेक्सिव केस, तो सी हर्ट हरसेल। अगर आप याद कर लेंगे इन वर्ब को बड़ी आसानी से तो ऐसा हो जाएगा। मोहन इंट्रोड्यूस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर। मोहन सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इंट्रोड्यूस क्या हुई, वर्ब। मोहन ने इंट्रोड्यूस किया टू द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से। तो किसको इंट्रोड्यूस किया, खुद को या उसके किसी रिश्तेदार को, ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। ये सोचने वाली बात है, अगर आप चाहें तो वैसे वर्ब्स को रट सकते हैं जो मैंने लिखवाई है, लेकिन ये उनके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो मोहन इंट्रोड्यूस्ड, आपने कहा टू द प्राइम मिनिस्टर, ये टू जो द प्राइम मिनिस्टर है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये द प्राइम मिनिस्टर किसका ऑब्जेक्ट है, टू का। तो आपने कहा इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट कहा है, नहीं है, तो मोहन इंट्रोड्यूस। अब मोहन है तो मुझे मोहन का रिफ्लेक्सिव केस, दैट इज कॉल्ड हिमसेल्फ लिखना पड़ेगा। सही क्या हो जाएगा, मोहन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मोहन एक लड़के का नाम है, लड़का प्रोनाउन ही है और ही का रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहन इंट्रोड्यूस्ड मी टू द प्राइम मिनिस्टर। इस सेंटेंस को देखिए, क्या आपको कोई एरर नजर आती है, बिल्कुल नहीं। आपने कहा अब इंट्रोड्यूस्ड के बाद हिमसेल्फ की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि अब तो बोला गया है कि मोहन ने किसे इंट्रोड्यूस किया है, मुझे। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। बी एंजॉयड इन द पार्टी, बी एंजॉयड इन द पार्टी। आपने कहा एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव केस लिखिए, किसका, वी का। तो बी एंजॉयड आवरसेल्व्स इन द पार्टी, हमने अपने आप को एंजॉय किया पार्टी में, मतलब कि हमने पार्टी को एंजॉय नहीं, अपने आप को ही आदमी एंजॉय करता है। मान लीजिए कोई आदमी उदास है, वो एंजॉय नहीं करता है। पार्टी का मतलब तो क्या होता है, एंजॉय करना होता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष पर भी तो डिपेंड करता है। कोई है मुंह लटका के बैठा हुआ है तो क्या होगा, पार्टी तो अपनी जगह चली रही है। ही एंजॉय आवरसेल्फ इन द पार्टी। एंजॉय के बाद कौन सा केस लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी मस्ट अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपने कहा अवेल है, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव केस, सी के बाद क्या आएगा, अवेल के बाद हरसेल्फ। बड़ा ही आसान हो गया। सीता प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी, सीता प्राइड्स, प्राइड्स के बाद कौन सा केस, रिफ्लेक्सिव, सीता प्राइड्स हरसेल्फ ऑफ हर ब्यूटी। इस प्रकार की चीजें आपको करनी होती है, ये नहीं कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है उसकी तरफ नहीं जाना है, तो ग्रामर आपसे बोलती है उसकी तरफ जाना है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप इंजॉय भी करेंगे। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कैसा लगा और क्या आप इसी प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी उत्साह उमंग के साथ और चीजों को आसान तरीके से समझेंगे। थैंक यू सो मच।